मेरा भारत महान, इंडिया इज डूइंग वंडर्स इन एवरी सेक्टर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डिप्लोमेटिक सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। लेकिन आज मैंने दो ऐसी न्यूज पढ़ी जिससे मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। पहली, इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब हम पूरी दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गए हैं। आज के सारी न्यूज़पेपर्स में इस चीज को एज अ तारीफ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी डर वाली बात है। उससे भी जो ज्यादा शॉकिंग न्यूज मुझे मिली है, अकॉर्डिंग टू रेटसिया स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स, एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ अ इंडियन इज 7.3 आवर्स पर डे। लगभग 7.5 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम है और हमारा ज्यादातर स्क्रीन टाइम जा रहा है सोशल मीडिया पर, OTT पर, व्हाट्सएप पर। बहुत चिंता वाली चीजें हैं। तो दोस्तों, ये 7.5 घंटे का स्क्रीन टाइम लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसको रिड्यूस करना है। कम से कम 7.5 घंटे से इसको 4 घंटे लाओ। कैसे लाएं? कुछ छोटी छोटी टिप्स, हम इसको अमल करेंगे तो हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा। पहली, जब भी कोई मैसेज आए उस मैसेज को ASAP रिप्लाई नहीं करें, मैसेजेस को अक्यूमुलेट होने दें। कुछ अर्जेंट मैसेज हो तो रिप्लाई करें, अदरवाइज सारे मैसेजेस को ASAP रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मोबाइल को, लैपटॉप के कंटेंट को टाइम पास एक्टिविटी मत समझे। ऐसा नहीं टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो एक काम करते हैं, लैपटॉप ओपन कर लेते हैं या फिर मोबाइल के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के कंटेंट को हम स्क्रॉल करते रहते हैं। थर्ड, अपने लेजर टाइम एक्टिविटीज को फिक्स करें। आपको कितना यूट्यूब देखना है, कितना फेसबुक एक्सेस करना है, कितना इंस्टाग्राम एक्सेस करना है पर डे, इसकी लिमिट फिक्स करें कि 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स, आपको कितना आपको देखना है, बस उसके बाद प्लीज एक्सेस ना करें। एंड फोर्थ, जब भी आप घर पहुंचे 9 बजे, 9:15, 8 बजे, 7:30 बजे, बॉटल रखी, खाने का टिफिन रखा, कार की कीज रखी, उसके साथ मोबाइल रख के उसको फ्लाइट मोड पे कर दे। उसके बाद मोबाइल को रख गए गुड नाइट, जय राम जी की, अब मैं आपको सीधे सुबह मिलूंगा। छोटी छोटी एक्टिविटी से हमारा स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, हमारी आंखों के लिए, हमारी सेहत के लिए लॉन्ग रन में अच्छा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टिप्स। गुड बाय।